बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, तीन मुखी दीपक भी एक विशेष दीपक है। तीन मुखी दीपक भी विशेष दशाओं में जलाया जाता है और विशेष दशाओं में बहुत लाभकारी परिणाम देता है, बहुत लाभकारी होता है। इस तरह के दीपक में दो बातियां होती हैं क्रॉस करती हुई और उसके तीन सिरे जला दिए जाते हैं। तीन मुखी दीपक जलाने से शत्रु बाधा और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। जैसा आपको पहले बताया कि इस तरह के दीपक में भी दो बातियां होती हैं और उसके तीन सिरे जलाए जाते हैं। कार्तिक के महीने में हर शनिवार को तीन मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, शत्रु और विरोधियों के शांति की प्रार्थना करते हैं, तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे और वो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस दीपक में सरसों का तेल भरने से शीघ्र लाभ होता है, यानी ये दीपक सरसों के तेल वाला होता है, लेकिन इसको घर के अंदर नहीं जलाते। तीन मुखी दीपक अपने घर के मेन डोर पर जलाते हैं शनिवार की शाम को। कार्तिक के महीने में इसको आप जलाइए और अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करिए। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं या आपके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, वो शांत होंगे, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, एक मुखी दीपक के बाद जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है वो चार मुखी दीपक है। बड़े पूजा के समय, बड़े अनुष्ठान के समय चार मुखी दीपक जलाते हैं। हर तरह की विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए, विशिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चार मुखी दीपक जलाया जाता है। धन प्राप्ति के लिए, ग्रहों की बाधा के निवारण के लिए और किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए चार मुखी दीपक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में दो बातियां होती हैं और दोनों बातियों के चारों सिरे जला दिए जाते हैं। इस तरह का दीपक मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है और ये दीपक जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा इसको अच्छा मानते हैं। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के नीचे चार मुखी दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग एक मुखी दीपक भी तुलसी के नीचे जलाते हैं, वो भी आप जला सकते हैं, लेकिन चार मुखी दीपक जलाना ज्यादा अच्छा होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि चार मुखी दीपक में घी भरा जाता है और खास तौर से अगर आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है या धन प्राप्त करने के लिए कोई पूजा करनी है, तो आप मिट्टी के या धातु के दीपक में दो बातियां लगाइए एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे जलाइए, चार मुखी दीपक बनाइए और उसके बाद प्रार्थना करिए। धन प्राप्ति के मामले में, माता लक्ष्मी की पूजा के मामले में चार मुखी दीपक का प्रयोग विशेष शुभ होता है। छह मुखी दीपक भी विशिष्ट दीपक है, सामान्य स्थितियों में नहीं जलाते, लेकिन ये एक बड़ी खास मनोकामना पूरी कर देता है। संतान की प्राप्ति अगर आपको चाहिए या संतान संबंधी कोई समस्या है, तो उसके निवारण के लिए छह मुखी दीपक जलाया जाता है। इस तरह के दीपक में तीन बातियां होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और इन बातियों के छह सिरे हो जाएंगे, छह सिरों को जला दिया जाता है। इस दीपक को पति पत्नी अगर एक साथ जलाएं
तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण आसानी से हो जाता है। जिन दंपतियों को, पति पत्नी को संतान संबंधी कोई भी समस्या है, वो हर बुधवार को गणेश जी के सामने 6 मुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो प्राप्ति आसान होगी, और अगर संतान है लेकिन संतान के जीवन से, उसके व्यवहार से, उसके उन्नति से कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी।